सुबह के बजे हैं 4:45 और मेरे दिन की शुरुआत होती है पानी के ग्लास के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुषमा और आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। पानी पीने के जस्ट बाद आती हूँ मैं छत पर, फिर थोड़ी देर घूमने के बाद मैं ब्रश वगैरह करती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा छत पर आकर करती हूँ योगा। देखिए, छत पर वीडियो शूट करने में मैं खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करती, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन कभी मैं अपना योगा सेशन आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूंगी वीडियो में। देखिए, योगा को लेकर एक मेरा बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मुझे साइनस की प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए मैंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथी सभी मेडिसिंस ली, लेकिन मेडिसिन जब तक आप ले रहे होते हो या उसके कुछ दिनों बाद तक तो आराम रहता है, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। और लंबे टाइम तक मैं मेडिसिन नहीं ले सकती, मैं क्या, मुझे लगता है कोई भी नहीं ले सकता। तो उस टाइम मैंने योगा करना शुरू किया, थोड़ा स्टार्टिंग में रिजल्ट आने में टाइम लगा, लेकिन अब मुझे ऐसी हैबिट हो गई है कि अगर कई, देखो अभी भी कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं लगता या फिर मैं थोड़े आलस में आ जाती हूँ तो मैं बीच में योगा छोड़ देती हूँ, कई कई बार 10 दिनों के लिए भी छोड़ देती हूँ, 15 दिनों के लिए भी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी को नीड है योगा की, क्योंकि मैं बीमार सा होने लगती हूँ, फिर मुझे दोबारा से योगा करना शुरू करना पड़ता है और फिर अब ऐसा लगता है कि ये मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को योगा ज़रूर करना चाहिए, चाहे हमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। मम्मी पापा उठ गए हैं, अब मैं उनके लिए बनाऊंगी चाय। देखिए, मम्मी अपनी चाय ज़्यादातर खुद ही बनाते हैं, लेकिन आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने चाय बनाई है। चाय बनती रहेगी, साथ वाली गैस पर मैंने रात वाले दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं लगाऊंगी बाहर से झाड़ू। सूरज अभी उगा है और हल्की हल्की धूप आ रही है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा फ्रेश एयर और सनलाइट हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो आयुर्वेदिक बुक्स हैं उनमें ऐसा लिखा हुआ है कि टीबी का बैक्टीरिया उबलते हुए पानी में भी नहीं मरता, लेकिन सनलाइट में ये मर जाता है। बाहर की झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। देखिए, पोछा मैं डेली नहीं लगाती, एक दिन छोड़कर एक दिन लगाती हूँ, या कई बार ऐसा भी होता है मैं 2 दिन के बाद पोछा लगाती हूँ। अब मैं धुले हुए बर्तनों को उनकी जगह पर रखूँगी और सुबह की सब्जी की तैयारियाँ करूँगी। आज मैं बनाऊँगी भिंडी। भिंडी को मैंने पहले से काट के रखा हुआ है, प्याज को छील कर रखा हुआ है। अब कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करके जीरा डाल के मैंने प्याज काट के डाल दिया है। देखिए, भिंडी में डालने के लिए मैं प्याज जो काटती हूँ उसका साइज़ थोड़ा बड़ा बड़ा रखती हूँ और क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ। उसके बाद प्याज में डालती हूँ हल्दी, धनिया, और मैं गरम मसाला नहीं यूज़ करती, थोड़ा सा बस चाट मसाला डालती हूँ और उसके बाद डाल दूँगी भिंडी को। और देखिए, मैं भिंडी में तेल थोड़ा कम डालती हूँ छोंक के टाइम, लेकिन बाद में मैं मक्खन या घी डालती हूँ सबसे लास्ट में। ठीक है, अब देखिए आप, मैं आज भिंडी में डालूँगी मक्खन और मैं नमक डालती हूँ सब्जी के बनने के बाद। तो आप कैसे भिंडी बनाते हैं मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। देखिए, अब मैं डाल दूंगी मक्खन। मैं कई बार देसी घी भी डाल देती हूँ और मक्खन भी डाल देती हूँ, जो मेरे पास उस टाइम अवेलेबल होता है उसी को मैं यूज़ करती हूँ। तेल मैं बहुत कम डालती हूँ हर सब्जी में। अब मैं इसे चलाकर ढककर रख दूंगी। देखिए, मक्खन मैंने काफ़ी क्वांटिटी में डाला हुआ है, तो भिंडी के कढ़ाई के बॉटम में लगने की मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मैं अपने और काम कर लूँगी, बीच में एक या दो बार चला दूँगी और मेरी भिंडी बन जाएगी।
बीच में मैंने बिलोने के लिए दूध निकाल दिया था, तो अब घी आ गया है। अब मैं घी निकाल लूँगी लस्से में से। देखिए हमारा पावर प्लग बहुत ऊँचा है, इसलिए हमें इसके ऊपर मुड़ी रखनी पड़ती है। हम इसे मुड़ी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। अगर कुछ और बोलते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए जब हम घी निकालते हैं ना, तो जो पानी होता है, देखो जैसे मैंने इस बाउल में पानी लिया हुआ है, इसमें या तो आप बहुत ठंडा पानी लीजिए या फिर इसमें आइस क्यूब डाल लीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका घी निकलेगा ना इसमें, वो सारा इकट्ठा रहेगा, आपको घी निकालने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बीच में क्या हुआ था, कूड़े वाला आ गया था, इसलिए मुझे उठकर जाना पड़ा था। अगर देखिए कोई काम करते हुए बीच में उठना पड़ता है ना, तो काम डबल हो जाता है। अब देखो मैं कूड़ा डाल के आई, फिर दोबारा मैंने हैंड वॉश किए साबुन से, अब फिर मेरे को घी निकालना पड़ेगा, है ना, काम बढ़ गया ना। देखिए अब मैं रही के ये जो है ना, ये आगे का जो फेस होता है, इसे मैं घी को पूछ लूँगी। वैसे पता है मुझे दूध भी निकालना आता है, भैंस या गाय का। अब मुझे पता नहीं क्योंकि मुझे कई साल हो गए दूध निकाले हुए, लेकिन पहले मैं दूध निकाल लेती थी। अब मुझे नहीं पता, मैं यही सोच रही हूँ कि अगर अब मुझे दूध निकालना पड़ा तो मैं निकाल पाऊँगी या नहीं निकाल पाऊँगी। तो अब मैं ट्राई करूँगी, ठीक है। अब जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं फिर दूध निकाल के देखूँगी कि मैं निकाल पाती हूँ या नहीं निकाल पाती, क्योंकि कोई भी चीज़ जब प्रैक्टिस से छूट जाती है ना, तो हम भूल जाते हैं उसे। लीजिए निकल गया है फ्रेश फ्रेश मक्खन, और ये गरम गरम रोटी के साथ ना बड़ा स्वाद लगता है। देखिए मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ गई। मेरा बचपन ज़्यादातर नानी के घर निकला है, तो मेरे जो नानी के मतलब वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, घर में ही बहुत सारे बच्चे थे। तो सुबह जब हमारी नानी मक्खन निकालती थी, तो रात को अंगाकड़े बनाए जाते थे। अभी भी कुछ लोग बनाते हैं अंगाकड़े, हरियाणा वालों को तो शायद पता होगा। तो हम क्या करते थे, उस पर सुबह सारे बच्चे इकट्ठे होकर मक्खन लगवाते थे, और इतना टेस्टी लगता था ना सच में। अपने देसी खाने की तो बात ही अलग है, सच में यार, मतलब इससे टेस्टी कुछ हो ही नहीं सकता। बाजरे की रोटी, अंगाकड़े, राबड़ी और सरसों खट्टे का साग, सच्ची में बड़ा यम्मी लगता है। मतलब कुछ भी खा लो, लेकिन जब आप ये सब खाते हो ना, तो बड़ा सच्ची में आपको पता नहीं कैसा लगता है, लेकिन मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है ये सब चीज़ें। ये खाटे का साग ना टेस्टी तो लगता है, लेकिन इसको बनाना ना बहुत झंझट होता है। इसको काटो, धो, बनाओ, बहुत टाइम लग जाता है। फिर अंगाकड़े भी बहुत टाइम लेते हैं इनको सेकना भी ना। लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी लाइफ को इस तरह से मैनेज करने की कि मैं इन सब चीज़ों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल पाऊँ। देखिए जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों का रहना और खाना था ना, वो सबसे अच्छा था, क्योंकि उन अगर हम उस तरह से रहने लग जाए ना, तो हम बहुत से बीमारियों से बच सकते हैं। पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम अपना सकते हैं। मैं अभी धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ उन सभी चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में लाने की। देखो मॉडर्न रहो, जहाँ रहने की बात है अपने विचारों से मॉडर्न रहो, या फिर जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपने आप को मॉडर्न शो करो। लेकिन जब बात आती है अपने मतलब अपने इंडियन होने की, अपने कल्चर की, अपनी वैल्यूज़ की, तो सबसे ऊपर वो ही है और कुछ भी नहीं है। देखिए मक्खन निकालने के बाद हाथ बहुत चिकने हो जाते हैं, तो आप क्या करिए, उन्हें आटे से पूछ लीजिए, और आटे से पूछने के बाद सिंपल पानी से हाथ धो लीजिए। उसके बाद हाथ इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे लगते हैं ना। देखिए मैं तो ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि अगर उन्हें आटे से नहीं पूछूंगी तो वो इतने चिकने होते हैं कि मुझे फिर साबुन यूज़ करनी पड़ती है, और फिर वो ही रफ रफ से हो जाते हैं। लेकिन जब मैं ऐसे करती हूँ ना, तो उसके बाद मुझे अपने हाथ बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं लस्सी को डोली में निकाल के रख दूँगी फ्रिज में, जिससे कि ये ठंडी हो जाए। देखिए मैं और मेरे हस्बैंड सुबह स्प्राउट्स या कोई फ्रूट ले लेते हैं। मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले स्प्राउट्स में प्याज टमाटर वगैरह काट कर खाया है, तो 11-12 बजे तक ही भूख लगेगी। मम्मी पापा ने दो चाय पी ली है, उनका तो डेली ही लेट खाने का होता है। मेरा रूटीन थोड़ा चेंज हो जाता है, हस्बैंड का भी चेंज हो जाता है हमारे काम के अकॉर्डिंग। अब मैं दूध को भगोने में निकाल कर गैस पर गर्म होने के लिए रख दूंगी, और साथ ही साथ फिर आटा गूंथ लूंगी। आटा देखिए मैं पहले ही लगा कर रख देती हूँ, और जो रोटी है वो मैं लास्ट में बनाती हूँ। अब इस आटा लगाने के बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी अंदर से, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं रोटी बनाती हूँ।
दूध रख दिया है मैंने गैस पर गर्म होने के लिए, अब मैं आटा लगाऊंगी। देखिए मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि अगर हम दूध से आटा गूंथते हैं तो बहुत सॉफ्ट रोटियां बनती है, और ये बनती भी है, मैंने खुद भी एक बार बनाई है। लेकिन उन लोगों के लिए तो ठीक है जो नमक में आटा नहीं डालते, लेकिन हम लोग हरियाणा वाले, हरियाणा राजस्थान वाले तो ज़्यादातर फैमिलीज ऐसी होती है कि आटे में नमक डाल के तब रोटी बनाती है, तो हम लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से दूध और नमक इकट्ठे नहीं लेने चाहिए। आटा लग गया है, अब मैं लगाऊंगी अंदर से झाड़ू, इसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी। अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ, हस्बैंड और मम्मी पापा की मैं बनाकर रख दूँगी और मैं बनाते ही खाना खा लूँगी, फिर मेरा काम होगा किचन क्लीन करने का और बर्तन मेरा मन करेगा अभी धोने का सबके खाना खाने के बाद, तो मैं धो लूँगी, नहीं तो फिर मैं रेस्ट करके शाम के टाइम भी धो लेती हूँ। देखिए ये मेरा कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं है, कम या ज़्यादा होता रहता है, डिपेंड करता है किस काम को प्रायोरिटी देनी है। ये फ़िलहाल लॉकडाउन के लिए है, उसके बाद स्कूल ओपन हो जाएंगे तो जो मेरा रूटीन होता है मॉर्निंग का वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय।